एवरीबॉडी, माय नेम इज सुदत्त एंड यू आर वाचिंग टेक लाउंज। आज मैं आपको इस वीडियो पे ये बताने वाला हूँ कि आपको वन प्लस नॉट नहीं लेना चाहिए। डू नॉट बाय वन प्लस नॉट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वन प्लस नॉट जो कि कल लॉन्च हुआ है, इसको वन प्लस ने कुछ अजीबो गरीब प्राइस पर लॉन्च किया है। वन प्लस नॉट का जो बेस मॉडल आएगा उसमें आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज दी जाएगी और उसकी प्राइस इन्होंने 25,000 रुपये रखी है। दूसरा इनका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा जिसकी प्राइस इन्होंने 28,000 रुपये रखी है। तीसरा इनका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा जिसकी प्राइस इन्होंने 30,000 रुपये रखी है। अब इसमें जो 6GB और 64GB वाला फ़ोन है वो आपको सितंबर में मिलना शुरू होगा और जो 8GB और 12GB वाले मॉडल्स हैं वो आपको अभी अगस्त में 4 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे अमेज़न पर। तो ये जो प्राइस है थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जो लीक्स आ रही थी उससे समझ में आ रहा था कि ये जो वन प्लस है इस बार काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे इसको लॉन्च करने वाला है। वन प्लस जो जाना जाता था फ्लैगशिप किलर के नाम से, वो टैग दोबारा वो हासिल कर लेगा। मगर इन्होंने जो प्राइस रखी वो बहुत ख़राब रखी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी जो प्राइस है लीक के हिसाब से भी 19,999 रुपये रखी गई थी बेस मॉडल की, और 8GB वाले की प्राइस करीब 22,000 रुपये बताई जा रही थी, और जो 12GB वाला मॉडल है उसकी प्राइस करीब 25,000 रुपये तक बताई जा रही थी। तो अगर इस प्राइस पे लॉन्च होता तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये फ़ोन बन जाता। मगर जो इनकी प्राइस रखी है इस हिसाब से तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा, क्योंकि वन प्लस ने इसमें काफ़ी जगह पर ऐसे क्रॉस कटिंग की है जो कि बिल्कुल भी समझ के बाहर है। वन प्लस नॉट में कुछ खामियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि जो स्टोरेज है 64GB भली इसमें दी जा रही है, मगर वो UFS 2.1 स्टोरेज आपको दी जाएगी जो कि आजकल 10,000 से 15,000 के फ़ोन में आपको मिल जाती है। और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें आपको USB 2.0 मिल रहा है। तो आप अगर इसको फ़ोन से कंप्यूटर में कुछ आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, और इस प्राइस के हिसाब से कम एटलीस्ट USB 3.0 इसमें दे देना चाहिए था। तीसरी इसमें खामी मुझे डुअल स्पीकर की लग रही है। वन प्लस के जितने भी फोन्स अभी आ रहे हैं मार्केट में या पिछले साल आए थे उन सब में डुअल स्पीकर था, मगर इसमें आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलने वाला है। चौथी इसमें सबसे बड़ी खामी मुझे इसके टेलीफोटो लेंस को लेकर लग रही है, क्योंकि इसमें आपको पीछे 4 लेंस देखने को मिलेंगे मगर इसमें आपको टेलीफोटो नहीं दिया जा रहा। ये सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि अगर आप 4 लेंस पीछे दे रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक कम से कम टेलीफोटो लेंस दे देना चाहिए था। उसकी जगह इन लोगों ने 2 MP का मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसिंग लेंस 5 MP का दे दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है। और वैसे भी जो फोटो आपको खींचनी होती है वो आपके इसके मेन कैमरा से ही लेते हैं, और अगर आपको वाइड एंगल चाहिए तो उसके लिए आपको वाइड एंगल कैमरा इसमें दे दिया गया है, और साथ ही साथ अगर इसमें टेलीफोटो दे देते तो वो काफ़ी अच्छा होता। ये जो फ़ोन है नॉट, इसके जगह कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिसको आपको कंसिडर करके चलना चाहिए और इसको आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये जो फ़ोन्स हैं मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। जो पहला फ़ोन मुझे पसंद आया है वन प्लस नॉट की जगह, वो आपको रियलमी का X2 Pro। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855+ देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी पावरफुल है, और स्नैपड्रैगन 765G से काफ़ी अच्छा है, और ये पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर रहा है। तो ये फ़ोन आपको अभी सिर्फ 28,000 रुपये में मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर। वैसे ये फ़ोन 32,000 का है मगर इसमें आपको 4,000 का एडिशनल ऑन एक्सचेंज मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। दूसरा फ़ोन आपको इसमें X3 देखने को मिल जाएगा जो कि रियलमी का ही आता है। ये भी अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट पर, और इसकी प्राइस आपको ये 25,000 से शुरू हो जाती है, और ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। बस इसमें एक कमी है कि आपको इसमें एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलेगी, बाकी इसमें सब कुछ आपको वन प्लस नॉट से बेटर मिलेगा। इसमें भी प्रोसेसर आपको 855+ दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तीसरा फ़ोन जो कि मुझे वन प्लस का ही लग रहा है, वन प्लस 7T जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, और ये मुझे सबसे अच्छा फ़ोन लगता है इस प्राइस कैटेगरी में, क्योंकि इसकी प्राइस वन प्लस ने घटा दी है और ये अभी आपको 35,000 रुपये का मिल रहा है, और उसके ऊपर अभी अमेजोन पर सेल आने वाली है 6 अगस्त से, तो उसमें आपको ये काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी डील पर आपको ये फ़ोन मिल सकता है। तो वन प्लस 7T के लिए भी आप एक बार जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 855+ प्रोसेसर मिलता है, साथ ही साथ उसमें आपको टेलीफोटो लेंस भी मिल जाएगा, और ऊपर से जो इसमें स्टोरेज दी गई है वो भी UFS 3.0 है, और साथ ही साथ उसमें 8GB और 128GB बेस मॉडल है, और उसके अलावा आपको USB 3.0 मिल जाएगा जिससे आप जो डेटा ट्रांसफ़र है वो काफ़ी स्पीड में कर सकते हैं।
तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और इनके अलावा अगर आपको बिल्कुल ही फ्लैगशिप कैटेगरी का एक फ़ोन चाहिए जिसकी प्राइस बहुत ही कम है, वो फिर iQOO 3, ये आपको पता होगा, इसकी प्राइस अभी फिलहाल 33,000 रुपये पे ये फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 मिल जाएगा जो कि अभी का फ्लैगशिप प्रोसेसर इस साल का, और ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें आपको सुपर फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी जो कि 55 वाट की दी गई है। साथ ही साथ इसमें जो स्टोरेज है वो आपको 3.1 दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, और अभी फिलहाल किसी भी फ़ोन में UFS 3.1 स्टोरेज नहीं दी गई है, मगर iQOO 3 में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो ये फ़ोन बहुत अच्छी डील है, अगर आप कुछ पैसे ज़्यादा खर्च कर सकें तो iQOO 3 के लिए आप जा सकते हैं। और वैसे भी जो OnePlus Nord बेस मॉडल है वो आपको सितंबर में मिलेगा, तो तब तक काफ़ी अच्छे ऐसे फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मार्केट में आ जाएंगे सेम 765G प्रोसेसर के साथ, जो कि आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे, प्लस उसमें स्टोरेज भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब OnePlus Nord की जो स्टोरेज है 64 GB रैम, ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आज के टाइम पर आप अगर 64 GB के लिए जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 64 GB आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी फुल हो जाएगी। मेरे फ़ोन में 128 GB है, और मुझे ऐसा पहले लगता था कि यार 128 GB बहुत ज़्यादा होती है, मगर अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं बची, और मुझे अपने जो डेटा है वो डिलीट करना पड़ता है आगे कुछ डाउनलोड करने के लिए, तो मुझे तो 128 GB कम लगता है, मगर 64 GB तो आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज नहीं मिलने वाली, और 64 GB से ही आपको फिर काम चलाना पड़ेगा, जिसके लिए ये आपसे 25,000 रुपये मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। अब मैं आपको ऐसे कुछ फ़ोन बता देता हूँ जो कि आने वाले हैं, और जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 765 GB देखने को मिल जाएगा, जिसकी बारे में ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो पहला फ़ोन मैं आपको बताऊंगा वो है iQOO का Z1X। ये चाइना में अभी लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ है, और इसकी प्राइस सिर्फ चाइना में 15,000 रुपये रखी है। इसमें आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये फ़ोन अगर जब इंडिया में लॉन्च होगा, इसमें आपको GST लगा लो, सारे टैक्स इंक्लूड कर लो, तब भी जाकर इसकी जो प्राइस होगी वो 20,000 से कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए OnePlus Nord के लिए अगर आप नहीं जाते हैं तो। दूसरा आपको मोटोरोला का एक फ़ोन आने वाला है, मोटोरोला का G9 Plus। इसमें भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन 765G दिया जाएगा, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 20,000 के लगभग मिलेगी, क्योंकि मोटोरोला का फ्यूजन 1 Plus ऑलरेडी 17,500 का मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ही ऊपर जाएंगे 765G के साथ, तो इसकी प्राइस भी आपको जैसे मैंने बताया 20,000 तक आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा होगा, और ये इसमें आपको एंड्रॉयड 1 मिलता है, तो ये एक तरीके से जैसे OnePlus का OS है वैसे ही आपको OS इसमें मोटोरोला में भी देखने को मिल जाएगा। तीसरा और चौथा फ़ोन गूगल की तरफ से आने वाले हैं, गूगल का Pixel 4a और गूगल Pixel 5। ये बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, और जो गूगल का Pixel 4a है ये एक अच्छी प्राइस पर लॉन्च होगा, ये मिड रेंज प्रोसेसर के साथ ही आएगा, और ये काफ़ी अच्छी टक्कर दे देगा जितने भी अपर मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन्स हैं। तो ये फ़ोन लगभग 30,000 के आसपास ये लॉन्च होगा, जो कि काफ़ी अच्छी डील होगी अगर गूगल पिक्सल 4a के साथ आप जाते हैं। गूगल पिक्सल 5 हो सकता है थोड़ा महंगा हो, बट आप 4a कंसिडर करके चल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। पांचवा फ़ोन एसस की तरफ से आने वाला है, एसस का ZenFone 7 और ZenFone 7 Pro। ZenFone 7 Pro हो सकता है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, बट ZenFone जो 7 आएगा वो स्नैपड्रैगन 865 के साथ लॉन्च होगा, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। साथ ही साथ उसकी जो प्राइस होगी वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी जाएगी, और इसकी प्राइस iQOO 3 जो आता है 33,000 का, उसी के आसपास इसकी प्राइस रखी जाएगी, और ये प्राइस आपको 35,000 से कम देखने को मिलेगी। तो 28,000 8 GB और 128 GB पर जाने से अच्छा तो आप 5,000 रुपये और डालकर एक फ्लैगशिप फ़ोन लीजिए, जिसमें आपको स्टोरेज वगैरह सब कुछ बेटर मिलेगी, कैमरास भी बेटर मिलेंगे, प्लस आपको प्रोसेसर भी इसमें बेटर दिया जाएगा। तो OnePlus Nord यहाँ पर बहुत बड़ी मात खा जाता है, और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। मेरे हिसाब से 5 से 6,000 रुपये आपको इसमें ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी अगर आप OnePlus Nord के लिए जाते हैं। तो ये फ़ोन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता अपनी प्राइस के हिसाब से, तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, और अगर आपको फिर भी लेना है तो वो आपकी मर्जी है। तो बस ये वीडियो में इतना ही था, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Oh,